हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा राजस्थानी पपेट मेकिंग आइडिया लेकर आई हूँ। और इन पपेट्स के साथ मेरी बहुत सारी कॉलेज की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। आई थिंक जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी और उसमें मैंने इन पपेट्स को बनाना सीखा था। आप इसे घर में बहुत कम सामान के साथ ईजिली बना सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और इसे रोल कर लेंगे। इसके बाद ये जो किनारे हैं इसे फेविकॉल लगा के अच्छी तरह पैक कर देंगे और अब इसे बीच से फोल्ड कर देंगे। आपको जितनी भी पपेट की हाइट रखनी है आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने इसे नीचे से थोड़ा थोड़ा कट किया है। पपेट का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ किया है। हैंड्स बनाने के लिए भी यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल का एक लंबा सा टुकड़ा लिया है और इसे शोल्डर की साइड से स्टिक कर देंगे। और अब हम लेंगे टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को पपेट के सारे पार्ट में अच्छी तरह से लगा देंगे। अब हम बनाएंगे पपेट का हेड और हेड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। क्ले को अच्छी तरह से हेड का शेप देने के बाद हम इसमें पपेट का फेस रेडी कर लेंगे। नेक वाला पोर्शन बनाने के लिए मैंने एक पतली स्टिक का यूज़ किया है। हम इस स्टिक को हेड के नीचे के साइड पे लगा देंगे। हमारी पपेट का जो फेस है वो बनके रेडी हो गया है और अब हम इस फेस को अच्छी तरह से अटैच कर देंगे। और यहाँ पर हम मोल्डेड क्ले का यूज़ करेंगे।
और मैंने यहाँ दोनों हैंड में भी नीचे की साइड पे क्ले का यूज़ किया है। और अब हम इसे अच्छी तरह ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद हम सबसे पहले वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करेंगे। और वाइट कलर ड्राई हो जाने के बाद हम इसमें अपना बेस कलर करेंगे। और अब हम ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ करेंगे, जिससे हम पपेट के हेयर, आईज और आईब्रो सब कुछ अच्छी तरह से बना लेंगे। और मेरे पास कपड़े के कुछ छोटे टुकड़े थे जिनसे मैंने पपेट का लहंगा तैयार किया है, शायद आप लोगों को पसंद आए। और जो इसकी ज्वेलरी है, इसे भी मैंने घर पर आर्टिफिशियल गोल्डन चेन से रेडी की है। और अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे जिसके ऊपर जूट के फैब्रिक को स्टिक कर देंगे और इसके किनारों को हम मास्किंग टेप से अच्छी तरह से पैक कर देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ स्मॉल साइज के मिरर का भी यूज़ किया है। और इसे हैंग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतली डोरी का यूज़ किया है। ग्लू गन की हेल्प से अब हम अपनी पपेट को इस पे स्टिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो हमारी राजस्थानी पपेट बन के रेडी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।